जी बताइए। ठीक है, अच्छा सर बेहतरीन हो गई है सर। सही है, कोई इशू तो नहीं है ना। नहीं सर अभी कोई इशू नहीं है। आप वीडियो भी ऑन कर लें सर ताकि कंफर्म हो जाए एक दफा। तो माइक की शायद सेटिंग हिल गई थी, अब ठीक हो गई है। जी सर जी जी बिल्कुल सर मैं करता हूँ सर। स्क्रीन नजर आ रही, जी सर नजर आ रही है। जी ठीक है, ठीक। काइंडली रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिएगा। अपने आप अपने एंड पे भी कर लीजिएगा क्योंकि एंड पे सर मुझे ऑन इस। होता रहे। जी सर थैंक जी। यू सर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो सिलेबस में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, और इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ना है, इस टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग फॉर मटेरियल्स। हमने जो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट पढ़े थे ना, कि मटेरियल होता है लेबर, एक्सपेंसेस, और फिर हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में उसे क्लासिफाई कर दिया कि डायरेक्ट मटेरियल्स होते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल्स हैं। लेबर को भी इसी तरह हमने क्लासिफाई किया डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। ओवरहेड्स को, एक्सपेंसेस को भी हमने ऐसे ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्लासिफाई किया। फिर हमने डायरेक्ट सारे ऐड किए तो प्राइम कॉस्ट बनी, इनडायरेक्ट सारे ऐड किए तो वो बना ओवरहेड्स। अब जो हमने जितने एलिमेंट्स पढ़े, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड जो हैं, अब हम उन सब पे ना एक एक पूरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, यानी हम उसे इन डिटेल पढ़ने के लिए टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर मटेरियल्स। अब सबसे पहले हमें अपना आइडिया क्लियर रखना होगा कि मटेरियल्स किसको कहते हैं। आपको याद है कि मटेरियल हमने उस चीज को नाम दिया था जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है और वो प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता है, यानी एक बेसिक सी डिस्टिंक्शन, फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग और फिर हमने फर्दर क्लासिफाई किया कि जो प्रोडक्ट का हिस्सा बन जाते हैं वो डायरेक्ट मटेरियल्स कहलाते हैं
और जो प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं होते लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहे होते हैं उनको हमने इनडायरेक्ट मटेरियल्स का नाम दिया। डायरेक्ट मटेरियल्स जैसे अगर शर्ट बनाने वाली कंपनी है तो डायरेक्ट मटेरियल्स की एग्जांपल में आएगा क्लॉथ, बटन्स, थ्रेड, यानी हर वो चीज जो शर्ट का पार्ट बन रही है वो सारी चीजें जो है वो डायरेक्ट मटेरियल्स। इनडायरेक्ट मटेरियल्स, उस फैक्ट्री में डीजल यूज हुआ, डीजल से जनरेटर चला है तो डीजल मटेरियल है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है, मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहा है तो एज पर डेफिनेशन मटेरियल तो है, लेकिन ये प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बना तो ये इनडायरेक्ट मटेरियल है। इसी तरह क्लीनिंग मटेरियल, सफाई वाला जो मटेरियल होता है जिसे फैक्ट्री में सफाई करते हैं ये लोग, तो क्लीनिंग मटेरियल भी मटेरियल तो है लेकिन शर्ट के अंदर इस्तेमाल नहीं हुआ। तो ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मटेरियल्स को डील करेगा। हम यहाँ पे जो मैंने वर्ड लिखा था वो है अकाउंटिंग फॉर मटेरियल्स, यानी यहाँ कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि ये डायरेक्ट मटेरियल की बात हो रही है या इनडायरेक्ट मटेरियल की बात हो रही है, दोनों मटेरियल्स के लिए हमने उसे किस तरह अकाउंट करना है इस चीज को हम कहते हैं अकाउंटिंग फॉर मटेरियल्स। अच्छा, इस चैप्टर में हमने सीखना क्या है, बिकॉज CMA एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, आपने कल को इस चीज को अपने प्रोफेशन में इस्तेमाल करना है, तो इसलिए मैं वर्ड इस्तेमाल करता हूं अक्सर कि हमने यहां से क्या सीखना है। अकाउंटिंग फॉर मटेरियल में वी आर गोइंग टू लर्न When to purchase material। सबसे पहली बात हम ये सीखेंगे कि हम material को कब खरीदा करेंगे, When to purchase materials। यानी जाहिर है मुझे कपड़ा चाहिए तो मैं खरीदूंगा, डीजल चाहिए तो खरीदूंगा, क्लीनिंग मटेरियल चाहिए तो खरीदूंगा, तो एक कॉमन सवाल जो अराइज होता है वो ये है कि When to purchase material, मुझे कब खरीदना है। सेकेंड, कैसे खरीदना है, हाउ टू परचेज मटेरियल्स। क्योंकि आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज का एक प्रोसेस होता है कि अगर आपने मटेरियल खरीदना है तो आप किस तरीके से खरीदेंगे, सर्टन SOPs हैं, सर्टन प्रोसीजर्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। तो पहली बात कब खरीदना है, दूसरी बात कैसे खरीदना है, तीसरी बात जो है वो ये है कितना खरीदना है कि जब मैं खरीदने जाऊंगा तो कैसे कितना खरीदूंगा, हाउ मच टू परचेज। और जब मटेरियल खरीद लिया जाएगा तो उसको कैसे रिकॉर्ड करना है, हाउ टू रिकॉर्ड। हमने उस मटेरियल को रिकॉर्ड कैसे करना है, इसकी डेबिट क्रेडिट एंट्रियां कैसे करनी है, एंट्रीज करनी है हमने, इसकी रिकॉर्डिंग देखनी है कि किस तरह अकाउंटेंट उसे रिकॉर्ड करेगा। और फिर मटेरियल क्यों खरीदा था, इसलिए खरीदा था कि मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल करेंगे, तो इसका मतलब है अब अगली चीज हमें ये पता होनी चाहिए हाउ टू इशू और मटेरियल टू प्रोडक्शन, यानी मैन्युफैक्चरिंग। यानी ऐसा नहीं है कि खरीद लिया है तो अब उसको जिसका दिल चाहेगा वो इस्तेमाल कर लेगा, नहीं, उसके इस्तेमाल करने के भी सर्टन प्रोसीजर्स हैं कि कौन इस्तेमाल कर सकता है, कैसे इस्तेमाल करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा, क्या एंट्री पास की जाएगी, तो वो हम सारी चीजें देखेंगे, हाउ टू इशू मटीरियल्स टू प्रोडक्शन। ये जो ओवरऑल हम सारी चीजें मैं पढ़ने जा रहे हैं, ये सारी चीजें ओवरऑल मटेरियल कंट्रोल कहलाता है, यानी हम अपने रॉ मटेरियल्स को कंट्रोल कर रहे हैं। फिर इसी तरह एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि हमने अगर कभी अनसर्टेनिटी हो
तो हमारा मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होता है, हमें कितना मैक्सिमम स्टॉक लेवल रखना चाहिए। जैसे अभी कोरोना जब स्टार्ट हुआ तो लॉकडाउन की खबरें आई तो फिर हर बंदे ने ज्यादा से ज्यादा परचेजिंग करके रख ली कि कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट्स बंद हो जाए और मेरे पास कुछ हो ही ना। तो आपने भी एक स्टॉक मेंटेन किया होगा जो कि नॉर्मल लेवल से अबव था, क्योंकि नॉर्मली आप ग्रोसरी एक वक्त में इतनी बाय नहीं करते थे जितनी आपने लॉकडाउन के डर से ज्यादा खरीद ली। दैट इज द मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में भी कभी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ जाए तो हमें अपने स्टॉक लेवल को मैक्सिमम कितना रखना है, और इसी तरह कम से कम कितना होना चाहिए तो उसे मिनिमम स्टॉक लेवल कहते हैं। अच्छा, अब इन सारी चीजों में हमने वन बाय वन इनको डिस्कस करना है। ये लिस्ट, अगर कोई और चीज मुझे थोड़ी देर में याद आती है तो मैं इसमें मजीद चीजें ऐड कर लूंगा। अभी हम इतनों को करना स्टार्ट करते हैं। जी, मैं आपको पढ़ाने लगा हूं कि रॉ मटेरियल से रिलेटेड जो मसले मसाइल हैं, हमने उसे एज एन अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट किस तरीके से उससे अकाउंट फायर करना है। सबसे पहली चीज कि मुझे रॉ मटेरियल कब खरीदना है, तो इस चीज का मैं आपको आंसर बताता हूं। ऑर्गेनाइजेशन रॉ मटेरियल तब खरीदती है जब स्टॉक एक सर्टन लेवल पे आ जाए। व्हेन स्टॉक रीचेस टू reorder level, यानी हमने कब खरीदना है, when stock reaches to reorder level। अब बेटा reorder level क्या होता है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताता हूं अभी। कि पहली बात ये कि हमने कब खरीदना है, तो इसका एक सादा सा जवाब आ गया कि हम तब खरीदेंगे जब हमारा स्टॉक रीऑर्डर लेवल पर पहुंच जाएगा। व्हेन स्टॉक रीचेस टू रीऑर्डर लेवल। अब हमें अंडरस्टैंड करना है व्हाट इज दिस रीऑर्डर लेवल। तो अब हम रीऑर्डर लेवल को अंडरस्टैंड करते हैं। मैं इसकी टेक्निकल डेफिनेशन या इसकी बुकिश नॉलेज पे जाने से पहले आपसे एक सादा सा सवाल पूछता हूं। आप सारे लोग सेल फोन इस्तेमाल करते हैं और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हैं वो सेल फोन जो है वो प्रीपेड वाला इस्तेमाल करते हैं, यानी पहले कार्ड लोड करेंगे फिर आप उसे यूज करेंगे, इसे प्रीपेड कहते हैं। अब प्रीपेड में आप बैलेंस कब लोड करवाते हो, तो आपने हमेशा एक सर्टन लेवल रखा होगा कि जब आखिरी 10 रुपए रह जाएंगे तो मुझे लोड करवा लेना है, आखिरी 20 रुपए रह जाएंगे लोड करवा लेना है। और हो सकता है कि कोई स्टूडेंट ऐसा हो जब बिल्कुल आगे से मैसेज आता होगा कि कॉल की सहूलत लेने के लिए लोड करवा लें, तो तब करवाते होंगे, या हो सकता है कोई लोन यूज करके भी करवाते हो। तो इट मीन्स हर बंदे ने अपनी नेचर और रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक रीलोड का लेवल रखा हुआ है कि मुझे दोबारा कब लोड कर रहे हैं अपनी सिम कार्ड में। तो ये इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन जो रॉ मटेरियल यूज करती है उसने भी हर चीज का एक लेवल रखा होता है, उसे कहते हैं रीऑर्डर लेवल, कि मुझे उतने यूनिट पे पहुंच के एक नया ऑर्डर प्लेस करना है। अब इसको मैं जरा देता हूं, जो बॉयज हैं वो बाइक चलाते हैं, बाइक में एक रिजर्व्स का कॉन्सेप्ट होता है कि आपकी बाइक में पेट्रोल है आप यूज कर रहे हैं, जब एक सर्टेन लेवल से काम आता है तो उसे रिजर्व्स कहा जाता है, फिर आप उस पेट्रोल यूजेज को शिफ्ट करते हैं रिजर्व पे। तो वो रिजर्व एक इंडिकेशन है कि अब आपकी बाइक में इतना पेट्रोल रह गया है तो अब आपको नया पेट्रोल डलवाना है, आपको एक बताया जाता है। सो दिस इज अ रीऑर्डर लेवल। इसी तरह गाड़ियों में वो जब पेट्रोल एक सर्टेन लेवल से कम होता है तो रेड लाइट जल जाती है, वो जो रेड लाइट है दिस इज बेसिकली द रीऑर्डर लेवल। ये इंडिकेट करता है कि आपका पेट्रोल इतना रह चुका है। तो इसी तरह एक फैक्ट्री में ऑर्गेनाइजेशन ने अपने यूजेज के हिसाब से रीऑर्डर लेवल रखा हुआ।
अब आपको पता है कि जब हम स्टॉक ऑर्डर करते हैं तो हमें फॉरन नहीं मिलता, तो ये जो स्टॉक ऑर्डर हमने करना है, रीऑर्डर लेवल बनाना है, अब ये रीऑर्डर लेवल हम कैसे बनाएंगे? उसके लिए मुझे ये देखना है कि जब मैं ऑर्डर करूं तो मेरा यूजेज कितना होता है पर डे, और लीड टाइम कितना है। सपोज करें मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा निकलवाया तो मुझे पता चला कभी कभी मैं 1000 केजी भी यूज कर लेता हूं रोज के, और ज्यादा से ज्यादा मेरा जो यूजेज है ना वो 4000 केजी तक है। तो मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का रीऑर्डर लेवल सेलेक्ट करना है ना, जैसे आप बैलेंस लोड करते हैं तो आपने अपना एक क्राइटेरिया रखा हुआ है कि मेरा डेली का यूजेज इतना है, तो उस हिसाब से आप लोड करते हैं। तो यहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन ये देखेगी कि जो रॉ मटेरियल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो कितने केजी मैं रोज का इस्तेमाल करता हूँ, तो यूजेज मुझे पता चलेगा, हिस्ट्री मेंटेन होगी। तो मुझे पता चला कि मेरा यूजेज कम से कम 1000 है, ज्यादा से ज्यादा यूजेज मेरा 4000 पर डे है। लीड टाइम, लीड टाइम बेटा कहते हैं कि जब आपने ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर प्लेस करने से लेके अब तक जितना टाइम लगा जब तक चीजें आई, जैसे आप पिज्जा ऑर्डर करते हो तो आपने कब ऑर्डर किया, कितने मिनट्स के बाद वो डिलीवर हुआ, तो ये जो टाइम है दिस इज लीड टाइम। तो जब एक कंपनी मटेरियल खरीदती है तो मटेरियल जो है वो उसका लीड टाइम जो है वो कितने दिन का टाइम लगा। टाइम हमें 4 दिन का लगता है और ज्यादा से ज्यादा टाइम 9 दिन का लगता है कि हमने जब ऑर्डर प्लेस किया उससे फिजिकल आने तक जो टाइम लगा उसे हम कहेंगे लीड टाइम। तो मिनिमम लीड टाइम इज 4 डेज, मैक्सिमम लीड टाइम इज 9 डेज। तो ये जो लोअर लिमिट है इसे मैंने नाम दिया मिनिमम, और ये जो अपर लिमिट है इसे मैंने नाम दिया मैक्सिमम। ये मेरा यूजेज था, इसी तरह लीड टाइम में ये मिनिमम लीड टाइम है और ये मैक्सिमम लीड टाइम है। करना होगा मैं अभी हेलो जी सर, आवाज आ रही है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी जी, ये डिस्कनेक्ट हो गया था। नहीं सर, ये इंटरनेट की वजह से कभी कभार हो जाता होता है। अच्छा ठीक है, मैं होल्ड करवा के गया था, मुझे जरा नीचे जाना पड़ गया था, बाय। जी सर, ओके सर। जी, रीऑर्डर लेवल की हम बात कर रहे थे कि रीऑर्डर लेवल वो लेवल है जितना स्टॉक हमने मेंटेन करना है, जब हमारा स्टॉक उतना रह जाएगा तो हम नया ऑर्डर प्लेस करेंगे। अब मैं आपको इसका फॉर्मूला बताता हूं। सपोज करें कि आप स्टोर के मैनेजर हैं,
आपको इतना पता होना चाहिए कि मुझे कितना रीऑर्डर लेवल रखना है। आपको पता है कि पाकिस्तान में और इवन पूरी दुनिया में अनसर्टेनिटीज एग्जिस्ट करती हैं, कि जरूरी नहीं है कि जब आप ऑर्डर प्लेस करें वो एग्जैक्ट 4 डेज में ही आए, वो 5 डेज का टाइम भी हो सकता है, 6 का भी हो सकता है, 7 का भी, 9 का भी, और हो सकता है 9 से भी एक्सीड कर जाए। जैसे अभी लॉकडाउन की वजह से फ्लाइट्स नहीं है, तो जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किए हुए थे उनको स्टैंडर्ड टाइम अगर 1 मंथ था तो अब वो 2 मंथ से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है लेकिन सामान नहीं आया। तो इट मीन्स कि हमें एट अवर एंड इतना स्टॉक रखना है कि हम स्टॉक आउट ना हो। स्टॉक आउट किसको कहते हैं? स्टॉक का खत्म हो जाना। तो रीऑर्डर लेवल जब बनाया जाता है तो जो फॉर्मूला, जो लॉजिक हम इस्तेमाल करेंगे वो फॉर्मूला ये है जी, रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम यूजेज मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लीड टाइम। यानी मैंने ऐसा सोचा कि अगर मेरा ऑर्डर ज्यादा से ज्यादा दिन भी लेगा ना तो 9 दिन लेगा, मेरी हिस्ट्री में 9 से ज्यादा टाइम नहीं लगा कभी। और अगर मैं हर रोज मैक्सिमम यूजेज करूं तो मेरा 4000 यूजेज है, इट मींस मुझे 36,000 केजीज रीऑर्डर लेवल रखना है। अब इसका मतलब क्या है कि जब स्टॉक मेरे पास 36,000 केजी बच जाएगा तो मैंने नए ऑर्डर का क्या देना है कि भाई मेरा सामान खरीद लें। जैसे ये सेम ऐसा ही है कि आपने कहा कि जब बैलेंस 10 रुपए रह गया तो मैंने नया लोड करवाना है। तो इसी तरह जो स्टॉक मैनेजर है उसने एक रीऑर्डर लेवल सिलेक्ट कर लिया, सिस्टम में फीड कर दिया कि जब इतने केजी रह जाएगा तो मुझे नोटिफिकेशन जनरेट कर देना कि भाई मटेरियल अब रीऑर्डर लेवल पे आ गया है। अब आपसे सवाल क्या आ सकता है? नंबर 1, रीऑर्डर लेवल की कैलकुलेशन। अब रीऑर्डर लेवल की जो कैलकुलेशन है वो किस तरीके से होगी, उसका फॉर्मूला याद रखना है, मैक्सिमम यूजेज मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लीड टाइम। ख्याल ये रखना है कि एग्जामिनर ट्रिक इस्तेमाल करता है, यूजेज दे देता है वीकली और लीड टाइम दे देता है डेज में। तो हमें दोनों चीजें लाइक विद लाइक लेनी है। अगर यूजेज पर डे है तो लीड टाइम भी डेज में होना चाहिए, अगर यूजेज वीकली है तो लीड टाइम भी वीक में होना चाहिए। आपको मैंने कहा था ना लाइक विद लाइक ने हमारी जान नहीं छोड़नी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमेशा हमने लाइक विद लाइक कंपैरिजन करना है। तो अगर यूजेज पर डे है तो मुझे लीड टाइम भी डेज में चाहिए, यूजेज मंथ्स में है तो मुझे लीड टाइम भी मंथ्स में चाहिए। तो अगर एक चीज मंथ में है एक डेज में है तो हम या तो दोनों को मंथ में कन्वर्ट कर लें और या दोनों को डेज में कन्वर्ट कर लें। और हमें पता है कि किस तरीके से कन्वर्जन होती है मंथ से डेज में, वो कोई क्वेश्चन आएगा एमसीक्यूज में ऐसा डाटा आ जाएगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे या कोई इलस्ट्रेशन करेंगे तो उसके अंदर वो आ जाएगा, तो मैं आपको तब कन्वर्ट कर दूंगा। अभी आपने याद क्या रखना है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम यूजेज मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लीड टाइम, ये फार्मूला हो गया। और इस इलस्ट्रेशन को आ गया तो अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या बनी, जो हमारा क्वेश्चन था जहां से हमने इसको स्टार्ट किया वो ये था कंपनी कब खरीदेगी, व्हेन टू परचेज। तो आंसर हुआ व्हेन स्टॉक रीचेस टू रीऑर्डर लेवल, यानी जब स्टॉक रीऑर्डर लेवल पर पहुंच जाएगा। अब एग्जामिनर एक थ्योरेटिकल एमसीक्यू बड़ा फेवरेट है उसका, वो अक्सर देता है और स्टूडेंट गलत करते हैं। वो कहता है कंपनी परचेज अ मटेरियल When stock reaches to, मैं लिख देता हूं, a company purchase material when stock reaches A option to
reorder level, B option when stock reaches below reorder level. चलें ये दो ऑप्शन ही बनाते हैं जी. आंसर क्या होगा? अ कंपनी परचेज मटेरियल व्हेन स्टॉक रीचेज. ए ऑप्शन कहती है टू रीऑर्डर लेवल, बी कहता है बिलो रीऑर्डर लेवल. टू का मतलब है कि जब स्टॉक रीऑर्डर लेवल के बराबर हो जाएगा, और बिलो का मतलब है उससे नीचे चला जाएगा. तो मेरा ख्याल है कमेंट्स में नंबर ऑफ मैसेजेस बड़े हैं, देखता हूं कि आपने, में उम्मीद है कि आंसर दिया होगा इसका. जी शाबाश, ए आंसर है जी इसका. क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि हम तब खरीदते हैं जब हमारा स्टॉक रीऑर्डर लेवल जितना हो जाता है. 36,000 हुआ, हमने ऑर्डर का कह देना है कि भाई खरीद लो, इंतजार नहीं करेंगे. अच्छा चलो यार अभी 36 है, जरा थोड़ा सा कम हो लेने दो, बिलो रीऑर्डर लेवल पे नहीं जाएंगे. तो ये आपने याद रखना है. तो इस ट्रिक में फंसना नहीं है, ये एक बहुत आसान एमसीक्यू है कि हमने कब खरीदना है, व्हेन स्टॉक रीचेस टू रीऑर्डर लेवल. चलें जी अब उसी अपने क्वेश्चंस पे वापस जाते हैं जहां से हमने इसे आज का लेक्चर स्टार्ट किया था. तो ये तो पता चल गया कि कब खरीदना है, अब कैसे खरीदना है. ये जो कैसे खरीदना है ना, इसको कहते हैं परचेज साइकिल. परचेज साइकिल, ये वैसे तो 2-3 पेजेस की कहानी है. अगर मैं बुक रीडिंग करूंगा तो आपको ये याद करना पड़ेगा, ये रट्टा लगाना पड़ेगा. तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको एक इसकी छोटी सी स्टोरी से ये समझाता हूँ कि परचेज साइकिल जो है कैसे खरीदना है. तो इसका जवाब हुआ कि वी फॉलो द परचेज साइकिल. अब परचेज साइकिल क्या चीज है, हम उसको पढ़ने जा रहे हैं. परचेज साइकिल, ये मैंने आपके सामने एक फैक्ट्री का बाउंड्री बना दी कि समझे ये एक फैक्ट्री है और ये फैक्ट्री शर्ट्स बनाती है. इसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होंगे, कटिंग डिपार्टमेंट, ये कटिंग डिपार्टमेंट है. कटिंग डिपार्टमेंट अपना किया हुआ काम ट्रांसफर कर देता है स्टिचिंग डिपार्टमेंट को. तो ये स्टिचिंग यूनिट आ गया, स्टिचिंग डिपार्टमेंट आ गया. स्टिचिंग वाला स्टिच करके ट्रांसफर कर देता है पैकेजिंग को, पैकिंग डिपार्टमेंट और पैकेजिंग डिपार्टमेंट. इस फैक्ट्री में स्टोर भी होगा. तो मटेरियल स्टोर करने वाला एक स्टोर आ गया. इसी तरह जो फिनिश गुड्स बनती होंगी, जो पैक्ड गुड्स हैं, वो ट्रांसफर हो जाती हैं फिनिश गुड्स के. इस ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी होगा. इसमें कैंटीन भी होगी, कैंटीन. इसमें मेंटेनेंस भी होगा जो मेंटेन करेगा, एडमिन डिपार्टमेंट भी होगा. हमने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा कि जहां पे प्रोडक्शन हो रही होती है उन्हें कहते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स. तो इट मींस ये वाले जो डिपार्टमेंट्स हैं, ये सारे के सारे कौन से डिपार्टमेंट्स हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स. और जो सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहे होते हैं वो सर्विस डिपार्टमेंट कहलाते हैं. तो ये सर्विस डिपार्टमेंट है, ये सारे अकाउंट्स, कैंटीन, मेंटेनेंस, एडमिन, इवन स्टोर भी.
जो दोनों स्टोर हैं, स्टोर भी सर्विस डिपार्टमेंट होते हैं, और जहां पे प्रोडक्शन हो रही होती है वहां पे उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहते हैं। तो कटिंग डिपार्टमेंट भी प्रोडक्शन है, स्टिचिंग भी, पैकेजिंग भी, और बाकी सारे के सारे जो हैं वो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं जिनके साथ मैंने टिक किया। अच्छा, इस डायग्राम को ना हमने अगले दो तीन टॉपिक्स में इस्तेमाल करना है, इस कॉन्सेप्ट को, इस आइडिया को। तो अभी तक हमने ये सीखा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी होता है, सर्विस डिपार्टमेंट भी होता है। प्रोडक्शन वो होता है जहाँ पे प्रोडक्शन इन्वॉल्व है, जैसे एक शर्ट बन रही है तो कटिंग, स्टिचिंग, पैकेजिंग, तो ये प्रोडक्शन एक्टिविटीज हैं। प्रोडक्शन के अलावा बाकी की जो एक्टिविटीज हैं जो सपोर्ट कर रही हैं, लाइक अकाउंट्स, कैंटीन, मेंटेनेंस, एडमिन, स्टोर। अच्छा, स्टोर मैंने दो बना दिए, एक रॉ मटेरियल का स्टोर है जिसमें मटेरियल स्टोर होता है, और एक मैंने फिनिश गुड्स का स्टोर बना दिया जिसमें शर्ट बनने के बाद स्टोर होती है। तो दो तरह के स्टोर हैं इस फैक्ट्री के। अच्छा, कटिंग वाले को कपड़ा चाहिए, कटिंग वाले को क्लॉथ चाहिए। ये जो क्लॉथ है ये कहाँ पड़ा हुआ है? ये क्लॉथ आपको मिलेगा स्टोर से। कौन से स्टोर से? मटेरियल वाले स्टोर से। जब भी डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल लेना होता है या कोई भी मटेरियल कंजम्पशन करनी है, मैं अभी ऊपर एक क्वेश्चन लिखा था, हाउ टू यूज मटेरियल, कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन में एक डॉक्यूमेंट होता है जो आपको इजाजत देता है कि आप मटेरियल ले लें। तो कटिंग को जब भी कपड़ा चाहिए होगा ये एक रिटर्न रिक्वेस्ट भेजेगा स्टोर को। मैं अब सारी बातें आपको इसी पिक्चर में समझा जाऊंगा जो बुक में थ्योरेटिकल पैराग्राफ लिखे हुए हैं जी। कटिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, ये एक डॉक्यूमेंट भेजेगा, यानी ये डॉक्यूमेंट किसने जनरेट किया, कटिंग डिपार्टमेंट में भेजा किसे, स्टोर को। इस डॉक्यूमेंट में लिखा क्या होगा कि मुझे इतने मीटर कपड़ा चाहिए, कौन सा कपड़ा चाहिए ये मेंशन करेगा कि फलां कलर का हो, ये उसकी क्वालिटी हो, उसका कोड होता है, कोडिंग सिस्टम बताएगा कि इस कोड का मुझे इतने मीटर कपड़ा चाहिए। वो फॉर्म फिल किया जाएगा, कौन फॉर्म बनाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जिसे मटेरियल चाहिए वो फॉर्म फिल करेगा और वो भेजेगा स्टोर को कि भाई मुझे ये चाहिए। अच्छा, क्या ये फॉर्म कोई भी बंदा फिल कर सकता है? नहीं, जो इसका इंचार्ज है उसके साइन होंगे, इसको कहते हैं ऑथराइजेशन। यानी पता ये चला कि ये डॉक्यूमेंट बनाएगा कौन, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, भेजेगा किसे, स्टोर को, और ये ऑथराइज्ड होना चाहिए। ऑथराइज्ड का मतलब है इस पे साइन स्टैंप होने चाहिए, जिसके साइन रिक्वायर्ड थे उसके साइन होने चाहिए। अच्छा, इस डॉक्यूमेंट को कहेंगे क्या, इसको नाम देंगे मटेरियल रिक्विजिशन, MR। इसको मैं बाद में इन डिटेल लिख दूंगा, M कहते हैं मटेरियल रिक्विजिशन। अब रिक्विजिशन से क्या मुराद है, रिक्विजिशन इज अ रिटर्न रिक्वेस्ट, यानी ऑर्गेनाइजेशन में हमें जैसे अगर कोई भी चीज चाहिए तो उसका एक प्रोसीजर होता है कि आपको जो आप लिख के दें ताकि हमारे पास रिकॉर्ड रहे। इवन हमें अगर पेन चाहिए, कोई भी चीज चाहिए होती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो रिटर्न रिकॉर्ड के तहत मूव होती है। तो इस चीज को कहते हैं मटेरियल रिक्विजिशन। तो अब MCQ क्या बन सकता है कि मटेरियल रिक्विजिशन कौन बनाता है, जो यूज करेगा ना मटेरियल को वो बनाएगा, किसे भेजेगा, स्टोर को। इसके अंदर क्या होना चाहिए, क्वांटिटी मेंशन होनी चाहिए कि मुझे कितनी क्वांटिटी चाहिए, कौन सी चीज चाहिए, उसका नाम होना चाहिए या कोड होना चाहिए, और ये ऑथराइज्ड होना चाहिए। तो ये याद हो गया कि मटेरियल रिक्विजिशन क्या है, कौन बनाता है, उसके अंदर क्या होता है। मैं आपको इसकी शक्लें दिखाऊंगा कि ये मटेरियल रिक्विजिशन है। अच्छा, जब मटेरियल रिक्विजिशन आती है तो स्टोर इनको वो रॉ मटेरियल ट्रांसफर कर देता है, मटेरियल इनको मिल जाता है, ये प्रोसेस चलता रहता है, और फिर वो 36,000 पे पहुंच जाता है। तो जब ये 36,000 पे आया तो अब इसको नोटिफिकेशन जनरेट हुआ कि भाई मटेरियल इतना रह गया है, खरीदो। अब ये नहीं खरीदेगा, ऑर्गेनाइजेशन में एक और डिपार्टमेंट होगा जिसका काम है परचेजिंग करना, उसको कहते हैं परचेज डिपार्टमेंट या परचेजिंग डिपार्टमेंट, प्रोक्योरमेंट का नाम होगा कि इसकी ड्यूटी है प्रक्योर करना। प्रक्योर का मतलब होता है खरीदना। तो ये भी सर्विस डिपार्टमेंट है, सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहा है। अब ये परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, ये परचेज डिपार्टमेंट
खरीदारी शुरू करेगा। अब ये नहीं पूछेगा कि भाई क्यों खरीदूं, तुम्हें क्या मसला है, तुम बहुत मटेरियल खरीदते हो, ये इसका काम नहीं है। जब इसको एक रिटर्न रिक्वेस्ट आई, इस रिटर्न रिक्वेस्ट को कहते हैं पीआर, परचेज रिक्वजिशन, यानी रिक्वजिशन रिटर्न रिक्वेस्ट, पीआर पी फॉर परचेज, एमआर मटेरियल। तो पीआर कौन बनाएगा, परचेज रिक्वजिशन कौन बनाएगा? स्टोर डिपार्टमेंट बनाएगा। कब बनाएगा? व्हेन स्टॉक रीचेज टू रीऑर्डर लेवल। और किसे भेजेगा? परचेज डिपार्टमेंट को। और ये भी ऑथोराइज्ड होनी चाहिए, हर डॉक्यूमेंट जो बनेगा दैट मस्ट बी ऑथोराइज्ड। और आपको ऑथोराइज्ड का मतलब बता दिया कि ये इसके साइन होने चाहिए, इस पे स्टैंप होनी चाहिए, जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसीजर है चाहिए, तो मस्ट बी ऑथोराइज्ड। अब जैसे आजकल पेपरलेस एनवायरनमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो यही सारी चीजें ईमेल पे भी हो सकती हैं, सॉफ्ट में भी हो सकती हैं। उसका एक फॉर्मेट होगा, उसे आप फिल करेंगे, डिजिटल सिग्नेचर या ईमेल से आप उन्हें ईमेल करें, तो वो भी पर्पस पूरा कर रहा होगा। तो जरूरी नहीं है कि ये पीस ऑफ पेपर ही हो, ये सॉफ्ट फॉर्म में भी हो सकता है। तो परचेज रिक्वजिशन भी हमें पता चल गई। जब परचेज रिक्वजिशन हमने भेज दी, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है खरीदने वाले डिपार्टमेंट की, अब वो खरीदेगा, कितना खरीदेगा ये भी बताया होगा, स्टोर ने बताया। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने अगर पेट्रोल डलवाना है तो आपको पता है कि मुझे कितना डलवाना है, बैलेंस लोड करना है तो आपको पता है कितना कराना है। तो इसी तरह स्टोर को पता है कि कितना खरीदना है। अभी हम उस कितना खरीदने को डिस्कस नहीं कर रहे, अभी हम सिंपल ये समझ रहे हैं कि हमने इतना खरीदना है, जो भी क्वांटिटी है वो मेंशन कर देगा। अब जब इसके पास पहुंचा तो अब इसका काम शुरू हो गया। ये हो सकता है कि एक बहुत बड़ी कंपनी हो, ये हमेशा अखबार में इश्तिहार देती हो कि मुझे मटेरियल चाहिए, तो ये सबसे पहले जो है एक लेटर ऑफ इंक्वायरी सेंड करता है, लेटर ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायर करता है। ये न्यूज़पेपर भी हो सकता है कि अखबार में इश्तिहार दे दे कि मेरी ये कंपनी है, मुझे इतना मटेरियल चाहिए इस क्वालिटी का, कौन कौन मुझे प्रोवाइड कर सकता है। या है कि मैं हमेशा इन 8 लोगों से खरीदता हूँ, तो मैं उनको एक लेटर भेजूंगा कि मुझे मटेरियल चाहिए, क्या आप लोग इंटरेस्टेड हैं मुझे मटेरियल देने में, तो अगर यस तो आप मुझे अपनी कोटेशन भेजें। कोटेशन होती है कि आप मुझे ये मटेरियल किस क्वांटिटी का, किस क्वालिटी का, किस रेट पे कब प्रोवाइड कर सकते। तो लेटर इनको सेंड किया, सेंड टू सप्लायर्स, यानी जो पोटेंशियल सप्लायर्स हो सकते हैं हमने उनको सेंड किया। इस लेटर के जवाब में हमें कोटेशन आई, कोटेशंस को हमने एवेल्युएट किया और हमने सिलेक्शन कर ली कि हमने किससे खरीदना है। यानी हमने देखा कि कौन सस्ता दे रहा है, क्वालिटी किसकी अच्छी है, कौन जल्दी डिलीवर कर देगा। वो हम उसी तरह ही है कि जैसे आप शॉपिंग करते हैं ना, तो आपको पता है मुझे कहाँ से खरीदना है, तो आपके जहन में कोई क्वालिटीज हैं, मैं इस शॉप से खरीदूंगा तो इस ब्रांड से खरीदूंगा तो इसकी ये क्वालिटी है, तो ये आपने सारा सोचा हुआ है। तो उसी तरह आपने सप्लायर भी सिलेक्ट कर लिया। जब सप्लायर सिलेक्ट हुआ तो हमने उसे फिर परचेज ऑर्डर दिया। इट मीन्स परचेजिंग डिपार्टमेंट भेजेगा परचेज ऑर्डर, किसको भेजेगा? सिलेक्टेड सप्लायर को, यानी जिसको हमने सिलेक्ट किया हमने उसे ऑर्डर कर दिया। जब परचेज ऑर्डर उस सप्लायर को मिलेगा तो वो उसको एक्नॉलेज करेगा, वो इसे इक्नॉलेज करेगा, इक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि ठीक है जी मुझे मिल गया। जैसे वो आप व्हाट्सएप करते हैं तो वो सिंगल टिक होता है तो मतलब है मेरे तरफ से डिलीवर हो गया है, डबल टिक हो जाता है तो अगले बंदे को भी मिल गया है, उसने पढ़ लिया है, दिस इज इक्नॉलेजमेंट, ये डिजिटल इक्नॉलेजमेंट है। अब इक्नॉलेजमेंट जो है, जब परचेज ऑर्डर मिला तो वो आगे से एक्नॉलेज करे, हो सकता है ईमेल रिप्लाई कर दे, आजकल ईमेल पे ही जाते हैं,
तो परचेज ऑर्डर ईमेल हो गया, उसकी एक्नॉलेजमेंट आ गई कि ठीक है जी मैं आपको ये मटेरियल डिलीवर कर दूंगा, इस दिन डिलीवर कर दूंगा। और एक्नॉलेजमेंट के बाद हम मटेरियल के इंतजार में होंगे और फिर एक दिन आएगा कि रॉ मटेरियल जो है वो हमें रिसीव हो जाएगा। जी ये ट्रक आ गया जी रॉ मटेरियल लेके, यानी डिलीवरी ऑफ गुड्स हो गई जो उसने टाइम दिया था उस दिन वो रॉ मटेरियल हमारे पास आ गया। ये जो खान साहब सामान लेके आए हैं ये जब गेट पे पहुंचे तो इन्होंने बताया कि जी मैं फलां कंपनी की तरफ से आया हूं। इनके पास दो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको कहते हैं डिलीवरी नोट। डिलीवरी नोट में इसकी दो कॉपीज हैं, यानी एक ही चीज है, टू कॉपीज हैं इसकी। ये खान साहब जो है ना ट्रक ड्राइवर ये लेके आया, इसने आपको बताया कि मैं वहां से आया हूँ। गेट कीपर जो है ये बात करेगा परचेजिंग से कि भाई फलां कंपनी की तरफ से सामान आया है, तो परचेजिंग डिपार्टमेंट जो है उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो आके इन चीजों देखेगा कि हाँ जी वाकई हमने ऑर्डर किया था और एक्सपेक्टेड डिलीवरी थी इसकी एक आध दिन में, तो ये पहुंच गया है जी। यहाँ पे चीजों की होगी इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में क्या होगा कि जो ऑर्डर किया था वही आया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ और सामान आ गया है, तो इंस्पेक्शन होगी। इंस्पेक्शन के बाद जो रॉ मटेरियल होगा वो स्टोर को ट्रांसफर हो जाएगा। ये जो इंस्पेक्शन हुई है यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बना है उसे कहते हैं GRN, गुड्स रिसीव्ड नोट। अच्छा दो डॉक्यूमेंट आ गए जी, डिलीवरी नोट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं है, इसके नाम से ही जाहिर है ये कौन सा नोट है, डिलीवरी नोट है जी। इस पे साइन किया जाएंगे, रिसीवर के साइन होंगे और एक कॉपी ये अपने पास रख लेगा, एक खान साहब को दे देगा कि आप जाके अपनी कंपनी को दे देना कि मैं सामान डिलीवर कर आया हूँ। ये ऐसे ही है कि जैसे TCS वाला आपसे साइन करवाता है ना एक पेज पे, तो आप समझे वो डिलीवरी नोट है, तो उसने डिलीवर कर दिया। अच्छा इंस्पेक्शन हुई, इंस्पेक्शन के वक्त एक चीज बनी GRN, गुड्स रिसीव्ड नोट। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा कि मैंने इतने यूनिट्स रिसीव किए, क्योंकि हो सकता है कि डिलीवरी नोट कह रहा हो कि हम 50,000 केजी भेज रहे हैं, लेकिन रास्ते में आते आते कोई सामान चोरी हो गया, कोई खराब हो गया, तो मैंने कितना रिसीव किया मैंने वो लिखना है, गुड्स रिसीव्ड नोट GRN। GRN कौन बनाएगा, स्टोर बनाएगा, और ये रिकॉर्ड के लिए बनता है, और इसकी बनती है चार कॉपियां, फोर कॉपीज होती हैं जी ये। अच्छा जो परचेज ऑर्डर होता है ना इसकी भी चार कॉपीज हैं, फोर कॉपीज। ये मैं आपको प्रॉपर एक फाइल शेयर करूंगा आज, उसके अंदर ये सारी इन डिटेल लिखी होगी कि कौन सा डॉक्यूमेंट कौन बनाता है क्या करता है, ये आप बेफिक्र हो जाएं। अगर आप नोट नहीं कर रहे तो ये आपको इन राइटिंग में वन पेज आज शेयर करूंगा। अच्छा जी तो ये पता ये चला कि डिलीवरी ऑफ गुड्स हुई, हमने उनको इंस्पेक्ट किया, देखा क्या चीज ऑर्डर की थी वही चीज आई, और उसके बाद ये सामान स्टोर को भेज दिया और एक डॉक्यूमेंट बना, गुड्स रिसीव्ड नोट प्रिपेयर्ड बाय स्टोर डिपार्टमेंट एट द अराइवल ऑफ गुड्स। इसकी फोर कॉपीज होंगी और इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमें आई हैं, कितनी क्वांटिटी आई है। अच्छा इसके बाद ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं परचेज ऑर्डर और GRN, हमने इन दोनों की चार चार कॉपीज कही हैं। ये चारों कॉपीज कहाँ कहाँ जाती हैं, एक स्टोर के पास होती है, स्टोर डिपार्टमेंट के पास, एक परचेज डिपार्टमेंट के पास होती है,
एक अकाउंट्स के पास होती है क्योंकि अकाउंटेंट ने पेमेंट करनी है, और एक सप्लायर के पास होती है। यानी परचेज ऑर्डर को पहले डिस्कस करते हैं। परचेज ऑर्डर जब बनेगा तो स्टोर ने बनाया था ना, हमने ऊपर बात की कि परचेज ऑर्डर कौन बनाता, सॉरी परचेज ऑर्डर बनाता है परचेजिंग डिपार्टमेंट। तो परचेजिंग डिपार्टमेंट ने बनाया, उसने एक कॉपी अपने पास रखी रिकॉर्ड के लिए, ये वाली कॉपी उसने अपने पास रख ली, उसने एक कॉपी स्टोर को भेज दी, उसने एक कॉपी अकाउंट्स को भी भेजी। क्यों? ताकि अकाउंटेंट को पता चल जाए कि मैं कुछ खरीदने जा रही है मेरी कंपनी, मुझे उसकी पेमेंट भी करनी है, इन टर्म्स एंड कंडीशंस पे पेमेंट होनी है 2 माह के बाद 3 माह के बाद। तो अकाउंटेंट ने फंड जनरेट करना है, फंड अरेंज करना है, और सप्लायर को इसलिए कि भाई उसने ऑर्डर भेजना है, परचेज ऑर्डर। इसी तरह जब चीजें आती हैं तो गुड्स रिसीव नोट बनाता स्टोर वाला है, एक कॉपी वो अपने पास रख लेता है, एक वो परचेज डिपार्टमेंट को भेजता है। क्यों भेजता है? सपोज कह रहे परचेज डिपार्टमेंट ने ऑर्डर किया था 50,000 kg का, लेकिन जब चीजें आई तो 40,000 आई, तो 10,000 की शॉर्टेज है। तो जब इसे GRN मिलेगा तो ये मैच करेगा कि मैंने ऑर्डर कितना दिया था, मुझे चीजें कितनी आई हैं। अगर कम आई हैं तो ये दोबारा नया ऑर्डर करेगा, ये सप्लायर से बात करेगा कि भाईजान आपने 10,000 kg कम भेजा है, क्यों भेजा है? तो वो बताएगा मेरे पास नहीं है, या मैं इतने दिन तक भेज दूंगा। तो इसलिए ये रिकॉर्ड इसके पास भी गया, और फिर अकाउंटेंट के पास ये इसलिए गया कि कल को जब इनवॉइस आएगी तो इसने पे करना है। पे करने के लिए ये किसी डॉक्यूमेंट से मैच करेगा ना कि भाई इसका परचेज ऑर्डर था, इसका गुड्स रिसीव नोट था, कहीं ऐसा ना हो कि कोई वैसे ही मुझे इनवॉइस भेज के पेमेंट ले ले। तो इसने वेरीफाई करना है, और सप्लायर को इसलिए भेजा जाता है कि सप्लायर को भी पता चल जाए कि उसने जो 50,000 kg भेजे थे वो हमने नहीं लिए, हमने 40,000 लिए हैं। तो बाकी फिर खान साहब से बात कर ले कि खान साहब वो 10,000 किधर गया। ठीक है, तो इट मींस कि परचेज ऑर्डर, गुड्स रिसीव नोट, इनकी 4-4 कॉपीज होनी चाहिए, और वो किन के पास जाती है। तो ये भी MCQ आ सकता है कि परचेज ऑर्डर कौन बनाता है, कॉपी कहाँ कहाँ जाती है। तो ये चारों लोगों के पास होती है, गुड्स रिसीव नोट कौन बनाता है और कॉपी किस किस के पास होती है। तो इसलिए इसकी 4 कॉपीज बनाई जाती हैं। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि जब GRN सप्लायर को पहुंचा तो सप्लायर उसके बदले में इनवॉइस भेजेगा कि भाई ये ले, आपने जो खरीदा था उसकी पेमेंट है, इनवॉइस आ जाएगी, और फिर जब उसकी ड्यू डेट आएगी तो हमने उसको पे करना है पेमेंट। और ये जो सारा प्रोसेस है, जब भी हमने खरीदारी करनी है हमने इसी प्रोसेस को फॉलो करना है, इसीलिए इसको कहते हैं साइकिल। साइकिल क्या होता है? इसी तरह सर्कल, कि एक जगह से स्टार्ट हुआ, अगला स्टेप ये है, अगला स्टेप ये है, अगला स्टेप ये है, और इसी तरह ये रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसका नाम साइकिल है। यानी जब भी हमने खरीदना है, पहला स्टेप होगा परचेज रेक्विजिशन आएगी, परचेज रेक्विजिशन के बदले में लेटर ऑफ इंक्वायरी जाएगा, लेटर ऑफ इंक्वायरी के रिप्लाई में कोटेशन आएगी, कोटेशन को अवैल्यूएट करेंगे, सप्लायर सेलेक्ट होगा, सप्लायर सेलेक्ट होगा तो परचेज ऑर्डर प्लेस करेंगे, परचेज ऑर्डर के बाद इक्नॉलेजमेंट होगी, इक्नॉलेजमेंट के बाद डिलीवरी ऑफ गुड्स होंगी, जब डिलीवरी ऑफ गुड्स होंगी तो इंस्पेक्शन होनी है, इंस्पेक्शन के वक्त GRN बनेगा, GRN के बाद इनवॉइस आएगी, इनवॉइस के बाद पेमेंट होगी। तो आपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी याद रखना है। एक अक्सर MCQ ऐसा भी आता रहा है कि वो इन सारे पॉइंट्स को लिख देता है और कहता है बताओ इनका करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है, सबसे पहले कौन सी चीज आएगी, दूसरे नंबर पे कौन सी आएगी, तीसरे नंबर पे कौन सी आएगी। तो मैंने कोशिश की है कि जो बुक के अंदर 2-3 pages में कहानी लिखी थी, मैंने उसकी रीडिंग करने की बजाय आपको उसको डायग्राम से समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मैं आपको इसका एक डॉक्यूमेंट दूंगा, वो डॉक्यूमेंट मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखाने लगा हूं कि वो डॉक्यूमेंट क्या है जो मैंने आपको भेजना है आज, वो अभी हमने थोड़ा सा उसे डिस्कस भी करना है। जी ये आ गया जी वो पेज। सबसे पहली चीज मटेरियल रेक्विजिशन नोट। अब देखिए मटेरियल रेक्विजिशन किसने बनाया था? जिस डिपार्टमेंट ने मटेरियल लेना है। फिल्ड आउट बाय द यूजर डिपार्टमेंट, ऑथोराइज होना चाहिए और सेंट टू स्टोर होता है। तो बस ये 3 बातें हमें पता है। परचेज रेक्विजिशन, ये खरीदना है,
खरीदने के लिए, ये फील्ड कौन करेगा? स्टोर डिपार्टमेंट ऑथराइज्ड होगा और सेंड टू परचेज डिपार्टमेंट। ये मैंने आपको यहाँ पे ये बना हुआ भी दिखाया हुआ है, ये देखें, यहाँ पे मैंने ये लिखा था कि परचेज रेक्विजिशन कौन बनाता है? स्टोर डिपार्टमेंट बनाता है, परचेजिंग को भेजता है, ऑथराइज होती है। मटीरियल रेक्विजिशन यूजर बनाता है, किसे भेजता है। तो यही सारी चीजें जो है ये मैंने आपको यहाँ पे लिख भी दी है। परचेज ऑर्डर ये किसे कौन बनाता है? फिल्ड आउट बाय द परचेजिंग डिपार्टमेंट आफ्टर सिलेक्शन ऑफ द सप्लायर और ऑथराइज्ड होता है। और इसमें प्राइस मेंशन होती है कि भाई मैं इतनी चीजें इस रेट पे खरीदूंगा। डिलीवरी नोट प्रोवाइडेड बाय द सप्लायर विद द डिलीवरी ऑफ गुड्स, वो उसके साथ ही ट्रक के साथ ही आया है ये। रिसीव्ड टूगेदर विद गुड्स बाय द स्टोर डिपार्टमेंट कंपेयर्ड विद द एक्चुअल एंड डिलीवरी। और फिर गुड्स रिसीव्ड नोट की बात की थी। गुड्स रिसीव्ड नोट ये है जी, अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द स्टोर फॉर देयर ओन यूज, गुड्स चेक्ड एंड काउंटेड, रिटन अप एंड साइंड, यानी चेक किया, गिनी, साइन किए, मैच विद द डिलीवरी नोट, डिलीवरी नोट के साथ मैच किया, एंड परचेज ऑर्डर सेंट टू अकाउंट्स टू अवेट फॉर परचेज इनवॉइस। अच्छा, अब परचेज इनवॉइस क्या चीज है? Received from supplier, supplier हमें भेजता है, checked to purchase order, जो मैंने बता दिया था कि purchase order, delivery note और GRN से match करेगा accountant के, वाकई मैंने इतने की चीजें खरीदी हैं, authorization होती है, finance manager से approval लेंगे और फिर payment कर देंगे। ठीक हो गया? तो यहां तक हमने जो चीजें देखी थी हमने उनको discuss किया। अच्छा, अब एक और चीज देखें। सपोज करें मैंने पिछले पेज में आपको कहा कि कटिंग डिपार्टमेंट को कपड़ा चाहिए, तो कटिंग ने स्टोर से कपड़ा लिया, पहले इसे दी मटेरियल रेक्विजिशन, उस मटेरियल रेक्विजिशन के बदले में क्लॉथ आ गया। अच्छा, गलती से ना क्लॉथ ज्यादा मंगवा लिया हमने, जितना चाहिए था उससे ज्यादा मंगवा लिया। सम टाइम होता है ना, हम ज्यादा खरीद लेते हैं, बाद में घर आते हैं पता चलता है यार ये इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, तो वो वापस अगर हो सकता है तो। ये क्योंकि कंपनी है और एक कंपनी ने कहा कि बजाय इसके कि मेरे पास कपड़ा यहाँ पड़ा रहे मैं इसे वापस कर दूं, अगर कभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल को वापस कर दे तो उस वक्त जो डॉक्यूमेंट बनता है ना उसे कहते हैं मटेरियल रिटर्न्ड नोट, यानी मैंने वापस कर दिया। तो देखें, जब मैंने मटेरियल लिया था तो तब मैंने मटेरियल रेक्विजिशन भेजी थी MR, और अब मैंने वापस किया है तो इसके नाम से जाहिर है ये मटेरियल रिटर्न नोट है, तो इसीलिए यहाँ पे आ गया मटेरियल रिटर्न नोट। ये कौन बनाएगा? रिटर्निंग डिपार्टमेंट, यानी वो डिपार्टमेंट जो वापस कर रहा है, और फिर एक्चुअल गुड्स चेक वो उसके साथ चेक करता है, साइंड अ रिसीट। जैसे आप कोई चीज वापस करने जाते हैं तो वो पूछता है ना, हाँ जी क्या है, कब खरीदा था, तो वो चेक कर लेता है कि इसने ये चीज खरीदी है, यही वापस कर रहे हैं, तो उसका एक डॉक्यूमेंट बनता है, तो उसे मटेरियल रिटर्न नोट कहते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स के हवाले से हमने डिस्कस किया। अब हम एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, बिन कार्ड। आप सारे लोग मेडिकल स्टोर पे जाते होंगे, अगर आप मेडिकल स्टोर को देखें तो उसने जो मेडिसिन रखी होती है ना उसने ऐसे बॉक्सेस में रखी होती है। आप जाके उसे बताते हैं कि भाई मुझे ना ये वाली टैबलेट चाहिए, पैनाडोल चाहिए सपोज करें, तो वो ऐसा नहीं करता कि वो एक तरफ से ढूंढना शुरू कर देता है पैनाडोल 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 कहाँ है, वो ऐसे नहीं ढूंढता, उसने ना उसका एक सीक्वेंस बनाया हुआ है, वो एग्जैक्ट उस बॉक्स में जाता है जहां पे वो पड़ी है चीज। ये जो बॉक्सेस आपको नजर आ रहे स्क्रीन पे, ये सारे छोटे छोटे डिब्बे हैं, बॉक्सेस हैं। इस एक बॉक्स को कहते हैं बिन, जिस तरह वो डस्टबिन सुना हुआ है ना, बिन मीन बॉक्स। तो बिन कार्ड, अब मैं आपके कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं मटेरियल में। बिन कार्ड, हर बिन का एक कार्ड होगा, पीस ऑफ पेपर, लेकिन अब तो कंप्यूटराइज सिस्टम है। जैसे अगर एक मेडिकल पे नया है, आज उसकी ड्यूटी पहला दिन है, एक कस्टमर आया वो आके कहता है पैनाडोल चाहिए, ते नहीं पता कि कहाँ पड़ी है, वो क्या करता है, वो अपनी स्क्रीन कंप्यूटर में से पता चल जाता है कि ये फलां बिन के अंदर,
तो जो बिन कार्ड है, बिन कार्ड एक हर बॉक्स का अलग अलग कार्ड होगा, उसके अंदर मेंशन होगा कि ये चीज कहाँ पे है। हर बिन कार्ड का एक नंबर होगा, बिन नंबर, कि ये फलां नंबर के रैक पे पड़ा हुआ है, ये चीज वहां है। इसके अंदर होता क्या है, मेंटेन्ड बाय द स्टोर डिपार्टमेंट, रिटर्न अप, इसमें चीजें जब आती हैं, जैसे अगर मेडिसिन ही आपने मंगवाई है, तो आपने मंगवाई तो GRN नंबर आएगा, एंट्री हो जाएगी कि हाँ जी ये चीजें इस बॉक्स में इतनी पड़ी हुई हैं। जैसे जैसे सेल होती जाती हैं वो इसमें से माइनस होती है। सम टाइम मेडिकल स्टोर वाला कह देता है ना, एंटर करता है तो वो कहता है सर ये मेडिसिन नहीं है, उसे जाके वहां देखने की जरूरत नहीं पड़ी, उसने उधर खड़े ही बता दिया आपको कि ये नहीं है। क्यों? क्योंकि बिन के अंदर उसकी क्वांटिटी जीरो आ रही है, स्टॉक आउट हुआ हुआ है, तो उसको जाके चेक करना नहीं पड़ता। इसीलिए इसी तरह ऑनलाइन शॉपिंग जो आप करते हैं उसमें भी अगर आपको कोई चीज पसंद आती है तो आगे लिखा आता है स्टॉक आउट। अब वो किसी ने जाके चेक नहीं किया कि पड़ी थी कि नहीं, वो इसी सहूलत की वजह से पता चल गया कि इतनी थी, इतनी इतनी बिक गई है, अब मेरे पास कुछ नहीं है। तो बिन कार्ड के अंदर होगा क्या, क्वांटिटी लिखी जाएगी लेकिन इसके अंदर प्राइस मेंशन नहीं होती, प्राइस नहीं लिखी होती कि मुझे, सॉरी प्राइस कह रहा हूँ, कॉस्ट नहीं लिखी होती कि ये कितने का खरीदा था, क्योंकि जो सेलमैन खड़ा है ना, जो बेच रहा है, उसे नहीं बताना कि ये चीज मुझे कितने में पड़ी थी, उसको तो सिर्फ ये पता होगा कि ये तुमने बेचनी कितने की है। जैसे कस्टमर कहता है कि बताएं इसकी प्राइस क्या है, तो वो फौरन उसे नजर आ रही होगी भाई तुम्हें इतने की मिलेगी, अगर उस पर कोई डिस्काउंट होगा तो वो भी उसे नजर आ रहा होगा, तो लेकिन कितने का खरीदा है कॉस्ट नजर नहीं आ रही होगी। इसी तरह एक और चीज होती है स्टोर लेजर कार्ड। स्टोर लेजर कार्ड भी बिन कार्ड की तरह ही है, लेकिन ये जरा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये भी स्टोर डिपार्टमेंट बनाता है। इसमें कोई भी एंट्री जो होती है वो गुड्स रिसीव्ड नोट या मटीरियल रिक्विजिशन से करनी होती है, और इसके अंदर क्वांटिटी और प्राइस, कॉस्ट दोनों दी होती है। तो एक जो MCQ एग्जामिनर को बहुत पसंद है इस हवाले से, वो कहता है कि बिन कार्ड और स्टोर लेजर कार्ड में कौन सी चीज नहीं होती, तो स्टोर लेजर कार्ड में क्वांटिटी और कॉस्ट दोनों होती हैं, और बिन कार्ड के अंदर सिर्फ क्वांटिटी होती है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा। तो मैंने आज आपको क्या पढ़ाया, दो चीजें मैंने आपको पढ़ाएंगे, When to purchase raw material, तो उसका आंसर था when stock reaches to reorder level। फिर मैंने आपको purchase cycle पढ़ाया, और मैंने फिर आपको ये एक document दिखाया, इसमें सारी वही बातें थी, आपको याद नहीं करनी पड़ेंगी, just आपने इसको ना 2 to 3 times isolation में बैठ के पढ़ लेना है, आपको ये सारा आता होगा। इतना, ये जो debit note, credit note है, इससे हमने कल शुरू करना है lecture। तो अभी purchase cycle हमारा वैसे तो complete हो गया है, लेकिन सिर्फ हमारी वो चीज रह गई है जो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। तो ये हमने आज सारा काम किया है। आप ऐसा करें कि अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ये परचेज साइकिल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। परचेज साइकिल, देन इससे पहले हमने ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस पढ़े थे कि हमने इस टॉपिक में क्या सीखना है, तो इस पोर्शन को भी आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। अकाउंटिंग फॉर मटेरियल हमने स्टार्ट किया था, और हमने इसमें ये चीजें पढ़नी है, रीऑर्डर लेवल की हमने कैलकुलेशन स्टार्ट की। तो कल हम आते ही सबसे पहले इंशाल्लाह परचेज साइकिल को कम्प्लीट करेंगे, उसमें सिर्फ दो चीजें रह गई हैं, डेबिट और क्रेडिट नोट, और फिर आगे अगली बातें उसी तरह स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते जाएंगे। मैं एक नजर क्वेश्चंस देख लूं। अच्छा, कुछ एक बेसिक सवाल आया कि अगर हमें वो चीजें मिल जाएं जो हमने ऑर्डर किया उस क्वालिटी की नहीं थी, तो बेटा ये कॉमन सेंस इस्तेमाल आप करें कि ये ऐसे ही है, आप कुछ खरीदने गए, आपको पसंद नहीं आया तो आपने वापस कर दिया, तो वो उसी तरह कॉमन सेंस के तहत उसका होगा, उसका कोई अकाउंटिंग में ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं है। आपकी ये ऑलरेडी सप्लायर से डीलिंग हुई होती है कि तुमने मुझे भेजना ही वो है जो मुझे चाहिए, अगर तुम गलत भेजोगे तो मैं वो एक्सेप्ट नहीं करूँगा।
जी इंस्पेक्शन स्टोर वाला करेगा, जाहिर है उसने देखना है कि जो चीजें मुझे चाहिए होती हैं, वो एक्सपर्ट होता है ना मटेरियल का, तो इसलिए इंस्पेक्शन वही करता है। सर टाइम हो गया। जी जी मुझे पता है जी, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मेरा कोई फ्रेंड्स नहीं है तो मुझे किसी ग्रुप में ऐड कर दें, तो बेटा मैंने जो नोट्स शेयर करता हूँ ना उसके अंदर मोस्टली मेरा ईमेल एड्रेस होता है, आपको कोई भी इशू हो मुझे ईमेल कर दें, मैं दोबारा लिख देता हूँ। ayazfcma@gmail.com, इस पे आप मुझे ईमेल कर दिया करें। जी ठीक है जी, इसको पढ़िएगा। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये ना आपकी बुक का चैप्टर कौन सा बनेगा, क्योंकि बुक से भी आपको पता है आपने रीडिंग करनी होती है, तो ये कैपलान की बुक का चैप्टर नंबर 5 है, इसको हम स्क्रीन पे भी गो थ्रू करेंगे। मैंने चैप्टर नंबर 5 से आज आपको स्टार्ट करवाया है, अकाउंटिंग फॉर मटीरियल्स, तो ये चैप्टर को भी मैं आपको स्क्रीन पे इंशाल्लाह कल या किसी दिन हम इसको स्क्रीन से एक दफा गो थ्रू करेंगे, ये चीजें हैं। तो ये चैप्टर नंबर 5 है, जो लोग बुक पढ़ना चाहेंगे आज वो चैप्टर नंबर 5 को देखें। हमने सिर्फ अभी रीऑर्डर लेवल की है और परचेज साइकिल की है, सिर्फ इतना पढ़िएगा। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर।